दोस्तों जब भी अच्छी बॉडी या फिर मस्कुलर बॉडी की बात होती है तो उसमें चौड़े कंधे को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है, क्योंकि जिसके भी कंधे चौड़े होते हैं वो काफी अच्छे लगते हैं और उसकी बॉडी काफी मस्कुलर लगती है। इसलिए आपको अपने कंधों की एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जिसको करके आप अपने कंधों को काफी चौड़ा कर सकते हैं। आते हैं अपनी सबसे पहली एक्सरसाइज पर, जिसको बोलते हैं लैटरल रेजेस। अभी देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, लैटरल रेजेस एक ऐसी एक्सरसाइज है जो बहुत ज्यादा योगदान देती है अगर आप अपने कंधों को चौड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज हमारे मीडियल डेल्ट, हमारे लैटरल डेल्ट को ट्रेन करती है जो हमारे बीच का हिस्सा होता है। देखिए मैं आपको बता दूं, जो हमारे कंधे हैं उसमें 3 मसल्स होती हैं, मैंने पहले भी आपको बताया है, उसमें से जो बीच वाली मसल्स होती है जिसको बोलते हैं लैटरल डेल्ट, वो हमारे कंधे को चौड़ा करने में योगदान देती है, क्योंकि जब उसको एक्सरसाइज हम करते हैं तो वो बाहर को निकल आती है और हमारे कंधे चौड़े लगने लगते हैं। इस एक्सरसाइज को हमें कुछ इस तरीके से करना होता है। इस एक्सरसाइज के हमें करने होते हैं 3 सेट 12 रिपीटेशन के, और अगर आप घर पे करना चाह रहे हैं तो आप किसी भारी बोतल से या फिर आप किसी भी भारी वजन को उठा के कुछ इस तरीके का पोस्चर परफॉर्म करके इस एक्सरसाइज को घर पे भी कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं दूसरी एक्सरसाइज पे, जिसको बोलते हैं अपराइट रो। ये एक्सरसाइज भी हमारे कंधों के लिए काफी अच्छी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को करने से हमारे फ्रंट डेल्ट, उसके साथ में हमारे लैटरल डेल्ट दोनों ही ट्रेन होते हैं। आपको इस एक्सरसाइज को बारबेल लेके इस तरीके से कुछ परफॉर्म कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो घर में भी आप इस एक्सरसाइज को कुछ इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। दोनों ही जगह आपको सेम रिजल्ट देने वाली है। इस एक्सरसाइज के आपको करने होते हैं 3 सेट 12 रिपीटेशन के। उसके बाद आते हैं अपनी तीसरी एक्सरसाइज पे, जिसको बोलते हैं बेंड ओवर फ्लाइज। अभी देखिए बेंड ओवर फ्लाइज हमें कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना होता है। हमें थोड़ा सा झुक जाना होता है, अपनी पीठ को सीधा रखना होता है और अपने हाथों को उठा के कुछ इस तरीके से पोस्चर को परफॉर्म करना होता है। घर में भी इस एक्सरसाइज को कुछ हम इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, दोनों ही रिजल्ट बराबर मिलने वाले हैं। इस एक्सरसाइज के हमें करने होते हैं 4 सेट 10 रिपीटेशन के। एक बात ध्यान रखिएगा, जितनी भी एक्सरसाइजेस मैं आपको बता रहा हूं, जब आप अलग अलग सेट्स पे आइएगा तो आपको हर सेट के बीच में 1 मिनट से ज्यादा का रेस्ट नहीं लेना है। जितना कम आप रेस्ट लेंगे उतना ही आपकी बॉडी पंप होगी, शोल्डर पंप होंगे और उतना ही मसल्स एक्टिवेशन होगा, आपकी बॉडी आपके शोल्डर बहुत जल्दी बन जाएंगे। उसके बाद आते हैं अपनी चौथी एक्सरसाइज पर, जिसको बोलते हैं डंबल प्रेस। इसमें हमें डंबल की जरूरत होती है। आप चाहो तो घर में किसी भी भारी चीज से एक्सरसाइज को कर सकते हो। काफी अच्छी एक्सरसाइज है हमारे ओवरऑल शोल्डर के डेवलपमेंट के लिए। इसको कुछ इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। इस एक्सरसाइज के हमें करने होते हैं 4 सेट 12 रिपीटेशन के। उसके बाद आते हैं 5वीं एक्सरसाइज पे, जिसको बोलते हैं फ्रंट रेजर। इसमें हमें अपने हाथों को आगे के साइड करना होता है और कुछ इस तरीके से वेट को उठाना होता है। वेट कुछ भी हो सकता है, पहले ही बता दिया, डंबल उठा सकते हो, बॉटल उठा सकते हो, ब्रिक उठा सकते हो, कोई भी भारी चीज उठा के आप कुछ इस तरीके का पोस्चर परफॉर्म कर सकते हो। काफी अच्छी एक्सरसाइज है आपके जो फ्रंट डेल्ट्स हैं उनको ट्रेन करने के लिए, जो गोल गोल शोल्डर्स होते हैं ना उसको पाने के लिए काफी अच्छी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज के आपको करने होते हैं 3 सेट 12 रिपीटेशन के। दोस्तों ये 5वीं एक्सरसाइज अगर आप लोग परफॉर्म करते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं बहुत ही जल्दी आपके शोल्डर्स काफी चौड़े हो जाएंगे। कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो में अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।